आपको दे रही हूँ सिंपल पास्ट टेंस का, ठीक है। पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट जो उसमें ये था जो हमारे काम प्रेजेंट में डन हुए होते हैं, और सिंपल पास्ट में ये है जो हमारे काम पास्ट में डन हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कल मैं स्कूल गई, कल मैंने खत लिखा, कल जो है हमने खाना खाया, इस तरह जो हमारे पास्ट में हुए थे। इसकी डेफिनेशन भी ये है, इट शोज सम एक्शन या वर्क्स डन इन पास्ट, ये कुछ ऐसे एक्शन या वर्क को शो करता है जो हमारे पास्ट में हुए होते हैं। आई एट एन एप्पल यस्टरडे, ठीक है। अगर यहाँ पे ईट होता है, आई ईट एप्पल, तो फिर ये हमारा प्रेजेंट में होना था। यहाँ पे एट आ गया है तो ये पास्ट में है, पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है। आई रॉट अ लेटर, मैंने एक खत लिखा, एट नाइट, एट यस्टरडे नाइट, कल रात मैंने एक खत लिखा, रॉट, ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज होती है। अब इसकी फॉर्मेशन मेथड मैं आपको यहाँ पे लिख रही हूँ। जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में पहले सब्जेक्ट, आफ्टर दैट सेकंड वर्ब यूज होना है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। शी डिड हर वर्क, डू, फर्स्ट फॉर्म डू है और सेकंड फॉर्म इसकी डिड है, सेकंड फॉर्म यूज हो रही थी ना, इसलिए मैंने लिखा है शी डिड हर वर्क। इसी तरह जब नेगेटिव आपने बनाना है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट आएगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जब आपने सिंपल पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तब इसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी, लेकिन जब आपने सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाना है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, और फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट। शी डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड, हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड यूज होगा। शी डिड नॉट डू हर वर्क, आगे देखिए यहाँ पे डिड यूज किया था और यहाँ पे डू फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज हुई है, और जब नेगेटिव उसका बनाना है तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इसी तरह जब आपने इंट्रोगेटिव बनाना है, सवालिया सेंटेंस बनाने, डिड को आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आना है, फिर सब्जेक्ट होगा, देन फर्स्ट फॉर्म होगी इसमें भी, और ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। डिड स्टार्ट पे आ गया, डिड शी डू हर वर्क, क्या उसने अपना काम किया। इसी तरह आप लोगों ने इस टेंस की प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह।